नेटवर्क के पैरामेडिक्स आज के स्टूडियो में बात करने वाले हैं जो बेसिन ने लेटेस्ट वैकेंसी निकाली है उसके बारे में। तो इसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं, जो रिक्वायरमेंट है वो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के अंदर, जो है सेटेलाइट सेंटर विलेज देरगिलीम पेरनेलीम तेलुका नॉर्थ गोवा के अंदर है। इसमें रिक्वायरमेंट है, जो वैकेंसीज है वो है मेडिकल ऑफिसर की है, इसमें दो पोस्ट हैं, इसके लिए MD MS होना चाहिए या फिर मेडिकल ऑफिसर है, इसमें भी दो पोस्ट है। और है इंटरनल मेडिसिन है, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट है, सर्जिकल स्पेशलिस्ट है, गायनेकोलॉजिस्ट है, पीडियाट्रिशियन है, पैथोलॉजिस्ट है। और आगे बात करते हैं तो इसके अंदर रेडियोलॉजिस्ट है और माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, इन सभी में एक एक पोस्ट है। इसके लिए MCI रिकोगनाइज होना चाहिए और जो रिलेवेंट स्ट्रीम है, जो डिपार्टमेंट है, उसके लिए PG डिग्री होनी चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें जो एज है वो है 50 है, जो यहाँ पे सैलरी वो रहने वाली है। उसके बाद में हम बात करते हैं लैब टेक्नीशियन की। लैब टेक्नीशियन के अंदर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 5 है। इसके लिए साइंस ग्रेजुएट होना चाहिए एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या डिप्लोमा होना चाहिए 1 ईयर का, या फिर आपके पास में 10+2 साइंस में होनी चाहिए डिप्लोमा से, या फिर 4 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और या अदरवाइज आपके पास में BSc MLT है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ में आपको यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। जो एज लिमिट है इसके लिए यहाँ पे 45 एज लिमिट है, तो सैलरी है आपको 25,000 मिलने वाली है। उसके बाद में हम बात करते हैं ECG टेक्नीशियन की। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट है 1 है, 10+2 साइंस होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए ECG टेक्नीशियन का, और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके लिए एज लिमिट है 45 है और यहाँ पे जो सैलरी है वो 25,000 मिलने वाली है। उसके बाद में हम बात करेंगे OT असिस्टेंट की। जो OT असिस्टेंट है, इन्हें नंबर ऑफ पोस्ट है 1 है, इसके लिए 10+2 साइंस होनी चाहिए रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी से, सॉरी जो रिकोगनाइज बोर्ड है उनके उसके, या फिर आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए OT असिस्टेंट का, 4 लेप्रोस्कोपी सर्जरी के लिए और एंडोस्कोपी के लिए होना चाहिए, और मिनिमम है जो 1 ईयर का ड्यूरेशन है इसके, जो 1 ईयर का ड्यूरेशन रहने वाला है इसके लिए आप, या मैक्सिमम यहाँ पे दे नहीं रखा है कितने साल के लिए हैं, तो 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए साथ में। इसमें एज लिमिट है 45 है, जो सैलरी है 25,000 रहने वाली है। यहाँ पे देखते हैं स्टाफ नर्स की वैकेंसीज है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 10 है। इसमें BSc नर्सिंग है और साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस है। यहाँ पे MSc नर्सिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, या फिर इसमें GNM वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 45 है, तो सैलरी हुई 37,500 रहने वाली है। उसके बाद में बात करेंगे फार्मासिस्ट की। इसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है 3 है। इसके लिए बी फार्मा होना चाहिए विथ 3 ईयर का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर इसमें डिप्लोमा होना चाहिए इन आयुर्वेदिक फार्मेसी में, और इसके साथ में आपको 5 ईयर का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो एज है 45 रहने वाली है, इसमें जो सैलरी है वो रहने वाली है। उसके बाद में बात करेंगे ड्रेसर की वैकेंसीज है इसमें, और यहाँ पे पंचकर्मा टेक्नीशियन की वैकेंसीज है। इसके लिए आपको 2 मेल है इसमें और 3 फीमेल है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है ड्रेसर में 1 है और पंचकर्मा टेक्नीशियन में 5 है। इसके जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन हो यहाँ पे दे रखी है, इसमें एज लिमिट यहाँ पे भी है 30-30 और सैलरी ये रहने वाली है। इसके लिए PDF है, आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है PDF टेलीग्राम का, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें लाइब्रेरियन की वैकेंसीज है। उसके बाद में हम बात करेंगे जो फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसेस है, तो इसमें जो वैकेंसी, उसके बाद में हम यहाँ पे दे रखा है नो TA DA विल बी पेड फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू ज्वाइनिंग द ड्यूटी ऑन सिलेक्शन। मतलब आपको इंटरव्यू देने में या फिर ड्यूटी ज्वाइनिंग करने के लिए आपको कोई भी पेड नहीं करना पड़ेगा या कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पे ऑनलाइन है वो एप्लीकेशन आपको यहाँ पे दे रखा है अप्लाई करने के लिए बेसिल की वेबसाइट, इस पर जाके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको इन सब चीज़ों की रिक्वायर रहेगी, यानी ये सब चीज़ आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद में जो बात करते हैं तो यहाँ पे आपके किसी भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी डाउट रहता है आपको, तो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे फ़ी की, तो यहाँ पे फ़ी दे रखी है। ये फॉर्म है या PDF है, आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। थैंक यू।